हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों मैं खड़ा हूँ इस वक्त हिमाचल में, और हिमाचल के इन सुंदर पहाड़ों में मेरे साथ जो स्कूटर है या मेरे साथ जो बाइक है वो है TVS की रेडियन। वो आप पीछे फ्रेम में देख सकते हो दोस्तों। मैं इस बाइक के ऊपर ही 400 किलोमीटर की अपनी इस जर्नी को कंप्लीट कर रहा हूँ, और 400 में से 300 किलोमीटर मैंने लगभग इसे कंप्लीट कर चुका हूँ। और इसके बाद मैं इसका एक रिव्यू आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो मस्ट जरूरी था, बहुत जरूरी था। मुझे लगता है कि अगर आप भी अगर ये स्कूटर परचेज करने के ये माफ करना अगर आप ये बाइक परचेज करने के बारे में सोच रहे हो ना, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों। अगर आप नहीं भी सोच रहे हो तो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपने इसे रिजेक्ट किया है ना, तो एक बार ये वीडियो आप जरूर देख लेना, और अगर आप इसे प्लान कर रहे हो तो भी आप ये वीडियो जरूर देख लेना दोस्तों। मतलब अगर आप कोई भी पेट्रोल स्कूटर प्लान कर रहे हो तो एक बार आप इस वीडियो को जरूर देख लेना, आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों। क्योंकि मैंने इसे पहाड़ों में कम से कम 300 किलोमीटर चलाया है और फुल रेव करके चलाया है दोस्तों। तो चलिए अब आपको मैं थोड़ा बाइक दिखा दूँ और उसके बारे में थोड़ी आपको रिव्यूज़ दे दूँ कि कैसे चला है, कैसे चलता है और इसका कम्फर्ट लेवल किस तरह का है दोस्तों। तो दोस्तों सामने अपने TVS का रेडियन लगभग अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो काफ़ी कम प्राइसिंग से ये स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। काफ़ी कम प्राइसिंग, आई थिंक 62,400 के करीब ये स्टार्ट हो जाता है, प्राइसिंग के साथ स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। और इसके लुक्स की बात करूं तो लुक्स इसके मुझे बहुत अच्छे लगे दोस्तों। थोड़ा सा बल्कि नज़र आता है स्कूटर देखने में, आप देख रहे हो थोड़ा सा बल्कि किस लिहाज से, यहाँ पर मैं इसका डायरेक्ट कंपेरिजन करना चाहूँगा स्प्लेंडर के साथ। स्प्लेंडर लवर जो भी हैं वो इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना दोस्तों, क्योंकि काफी टाइम के बाद आप स्प्लेंडर से बोर हो जाओगे। मगर एक बार अगर आप इसकी ट्राई लेते हो या इसे परचेज करने के बारे में प्लान करते हो ना, तो मुझे नहीं लगता कि आप कहीं पर भी इससे कभी बोर होने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि स्टार्टिंग प्राइस इसकी बहुत इंटरेस्टिंग है, 62,400 के करीब ही आपको एक शोरूम प्राइसिंग के साथ मिल जाता है भाई। और बाकी अगर बात करें इसके थोड़े से मोटे मोटे स्पेसिफिकेशन की मैं अगर बात करूँ, तो इसमें आपको 109 लीटर का, लगभग 110 लीटर का, आपको माफ़ करना दोस्तों, तो इसमें आपको 110 cc का इंजन मिल जाता है, जो कि स्प्लेंडर से थोड़ा सा ऊपर है 100 cc वाले से। बाकी बात करूँ इसके हॉर्स पावर की, इसके पावर की, तो ये 8.08 BHP आपको पावर प्रोड्यूस करता है। और व्हील बेस की बात करूँ तो 1265 mm का इसका व्हील बेस है दोस्तों, जो कि आपको इस बाइक को आपको एक अच्छी खासी लेंथ देता है, और एक बहुत अच्छा आपको एक कॉन्फिडेंस भी देता है रोड पर चलते हुए, ताकि आपको लगता है कि हाँ वाकई में कोई हैवी बाइक जो आप चला रहे हो दोस्तों। तो दोस्तों बात करें इसके एक्सपीरियंस की, ऑल ओवर एक्सपीरियंस की, तो मैंने इसे लगभग 300 किलोमीटर तक मैंने इसे चला लिया है, और 300 में से कम नहीं 200 किलोमीटर अभी सिर्फ पहाड़ों में चलाया है। और मैंने इसे पूरा रेव करके पूरा मतलब फुल थ्रॉटल से ही यूज़ किया है, और मुझे बहुत ही शॉकिंग इसके रिजल्ट मिले हैं दोस्तों। शॉकिंग क्यों कह रहा हूँ, सबसे पहले अगर बात करूँ इसके ड्राइविंग की, ड्राइविंग एक्सपीरियंस की, तो बहुत अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ मेरा दोस्तों। इसके साथ मुझे पिकअप लॉस कहीं पर भी फील नहीं हुआ। हाँ भले ही आपको थोड़ा बाइक गंदा नज़र आ रहा होगा, इसकी सर्विसिंग पेंडिंग है, और सर्विसिंग पेंडिंग होने की वजह से थोड़ा सा मुझे इसमें पिकअप का लॉस लग रहा था, तो उसका सोल्यूशन मैंने करने के लिए एक जगह पर रुकवा कर इसका छोटा सा इसका जो काम था वो करवाया। क्या करवाया था, सबसे पहले मैंने इसका जो एक एयर फिल्टर रहता है, जो एयर फिल्टर को मैंने हवा के साथ ही क्लीन करवाया और दोबारा एज इट इज फिट करवा दिया था। और यकीन मानिए दोस्तों, उसके बाद मुझे जो इसके साथ पावर डिलीवरी मिली है ना, मतलब मैं खुद ही सेटिस्फाई हूँ 110 cc इंजन के लिहाज से, कि ये इतना अच्छा परफॉर्म कर सकता था वाकई में यार, और इसने किया भी। पहाड़ों में इसने नो इशू, कोई भी दिक्कत, बिना दिक्कत के मुझे मतलब बहुत ही अच्छी कंफर्टेबल राइड दी है इसने। और बात करूं मैं अगर स्प्लेंडर की, तो स्प्लेंडर की मुझे एक सबसे बड़ी कमी लगती थी उसकी सीटिंग, मतलब उसकी जो सीट रहती थी ना, वो सीट बहुत ही कंजस्टेड रहती थी। आप देखते हो ना, ये विड्थ रहती है ना, वो बहुत कम है उसकी, मगर इसकी विड्थ जो आप देख रहे हो ना, ये देखो काफ़ी मतलब चौड़ी इसमें आपको सीट मिल जाती है, और ये बहुत ही हेल्पफुल रहती है जब आप लॉन्ग जर्नीज करते हो कहीं पर इसमें। तो मुझे एक इसका ये प्लस पॉइंट भी लगा, दूसरा 110 cc का इसका इंजन है, जो कि काफ़ी अच्छा आपको पावर डिलीवरी कर रहा है। अगर इन सब चीज़ों के बावजूद आपको फिर भी स्प्लेंडर पर जाते हो ना, तो मुझे लगता है कि वो सौदा थोड़ा सा आपको एक अलग तरफ ले जाएगा। मगर ये चीज़ अगर आप ले लेते हो ना,
रेडियन के साथ अगर आप जाते हो ना, तो ये कहीं पर भी आपको निराश नहीं करने वाला दोस्तों। ये थोड़ा सा आपके साथ लंबा चलने वाला सौदा रहेगा दोस्तों ये, क्योंकि 110 सीसी का इंजन है। आपने कभी लॉन्ग टूर के लिए भी लेके जाना हो तो आप इसे बड़े आराम से लेके जा सकते हो। लगभग 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर आप इसे आराम से चला सकते हो, लेके जा सकते हो दोस्तों। तो 150-200 वो आपके ऊपर डिपेंड है, मगर मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी पैक लगा है अगर आपके लिए कहूँ मैं। ताकि एक बार आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा दूँ, तो टोटल ये जो है आपको यहाँ विजिबल नहीं हो रहा होगा, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये 20,040 किलोमीटर चल चुका है दोस्तों। और अभी आप मेरे आसपास देख रहे हो ना, ये अच्छे खासे पहाड़ हैं भाई, ये देखो ये अच्छे खासे पहाड़ है। कहीं पर रुक कर मैं यहाँ तो शूट कर रहा था, तो मतलब ये पहाड़ों में ही इसका असली टेस्ट हो सकता था, और ये जो कि पॉसिबल भी हुआ और इसने उसमें परफॉर्म भी किया है दोस्तों। बाकी बात करूँ एक इसकी छोटी सी कमी मुझे लगी है, वो क्या है, इसके हॉर्न की। इसमें हॉर्न बहुत ज़्यादा लाइट वेट है यार, बहुत ज़्यादा हल्का हॉर्न है। चलो वो तो अलग बात है, वो तो आप चेंज भी करवा सकते हो। बाकी इसका बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर भी लगा मुझे, जो कि आजकल तो वैसे सभी बाइकों के साथ आ रहा है, मगर आप भी उसको जरूर ऐड करना जब भी आप उसे कोई भी बाइक लेते हो एक बार, कि इसके जब भी साइड स्टैंड ऑन करते हैं तो ये स्विच ऑफ हो जाता है और ये स्टार्ट नहीं होता है दोस्तों। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बाकी थोड़ा सा सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से रात में काफ़ी सर्दी भी थी, मगर स्टार्टिंग प्रॉब्लम इसके साथ मुझे बिल्कुल नहीं आई। और ब्रेकिंग की बात करूं तो एक चीज़ की इसमें कमी लगी है, सामने जो आप देख रहे हो ना ब्रेकिंग इसकी, इसमें आपको ड्रम ब्रेक मिल जाती है। मुझे लगता है अगर इसमें डिस्क ब्रेक मिल जाती ना, तो ये एक फुल फ्लैज पैक हो जाता बाइक लवर्स के लिए, 100 सीसी लवर्स के लिए। माइलेज भी मिलता आपको, और दूसरा आपको इसमें फीचर्स भी मिल जाते, डिस्क ब्रेक वगैरह भी मिल जाता। तो बाकी हाँ, एक और चीज़ मैं बात करना चाहूँगा माइलेज की, तो माइलेज इस बाइक के साथ मुझे बहुत अच्छा माइलेज मिल चुका है दोस्तों। मतलब अगर मैं कहूँ तो हार्डली मोटा मोटा मैं आपको एस्टिमेट दे देता हूँ, तो मैं 300 किलोमीटर चला चुका हूँ। 300 में से लगभग इसका जो पेट्रोल का खर्चा आया, आई थिंक 4 लीटर के पेट्रोल के करीब आया है, और 4 लीटर पेट्रोल बहुत ही हैरानीजनक पेट्रोल की कंजप्शन है, बहुत ही कम है दोस्तों। क्योंकि जिस तरह से मैंने इसे चलाया है ना, वो मैं ही जानता हूँ, बहुत ही रफ टफ मैंने इसे यूज़ किया है, बहुत रफ टफ, कहीं पर भी इस पर तरस नहीं खाया। मगर हाँ, अभी जब मैं आ रहा था ना, तो 20-30 किलोमीटर से मैं थोड़ा इसे थोड़ा स्लो लेकर आ रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा एक लोकेशन देखना चाहता था, शांत सी लोकेशन मिल जाए। तो ये था मेरा अभी तक का इसका एक्सपीरियंस। एक बार मैं आपको इसका राउंड लगवा देता हूँ, दिखा देता हूँ। तो ये कुछ ऐसा आपको इससे रियर रुक्स मिल जाते हैं, और साइलेंसर कुछ इस तरह से मिल जाता है, कुछ ऐसा साइलेंसर मिल जाता है आपको इसमें। बाकी बात करते हैं इसमें, ये गार्ड देखो आप, ये चीज़ जो है ना, ये काफ़ी प्यारी चीज़ है यार ये। मतलब वो सेफ्टी वाइज भी अच्छी है, कि एग्जॉस्ट के ऊपर जोड़े कवर दिया गया है ना ये, और वो भी क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है। मतलब कॉस्टिंग चाहती तो कंपनी इसमें कॉस्ट कटिंग करके इसमें पाउडर कोटिंग यूज़ कर सकता था, या मैट ब्लैक यूज़ कर सकते थे, मगर नहीं, उन्होंने इसे क्रोम ही रखा है। क्रोम क्यों रखा है, क्योंकि उन्हें इसे एक अलग लुक्स देना था दोस्तों। तो मुझे तो लगता है कि आपके साथ ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी रहेगा अगर आप इसे प्लान करते हो दोस्तों। तो मैं तो डेफिनेटली आपको इसके लिए थम्स अप देता हूं कि आप इसके साथ जरूर जा सकते हो। अगर आप 100-150-200 किलोमीटर तक की राइड भी करना चाहते हो ना, तो भी ये बड़े आराम से कर लेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था मेरा अभी तक का 300 किलोमीटर तक का इसका एक्सपीरियंस, जो कि मुझे लगता है काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। आप में से कोई भी भाई अगर पेट्रोल स्कूटर के बारे में प्लान कर रहे हो ना, तो इसके साथ एक बार जरूर जाना दोस्तों, इसके साथ एक बार जरूर प्लान कर लेना, या टेस्ट ड्राइव जरूर लेना इसकी, और उसके बाद आप स्प्लेंडर को चलाना। और ये आपके लिए काफ़ी वैल्यू फॉर मनी रहेगा, और आपको लगेगा भी, क्योंकि 110 सीसी इंजन के साथ आपको माइलेज भी अच्छा मिल जाता है। हाँ, थोड़ा TVS का नाम है, मगर TVS अब वो TVS नहीं रहा जो आप पहले से सोचते आ रहे हो, या स्टार सिटी जो स्टार्टिंग में आते थे उनके हिसाब से, अब वैसा बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी इंप्रूवमेंट्स हो चुके हैं, BS6 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आ चुका है, और काफ़ी रिफाइनमेंट इसमें मुझे देखने को मिली है दोस्तों। थोड़ा सा नॉइसी इंजन आपको जरूर लगता है इसमें, वो शायद या हो सकता है 110 सीसी इंजन की वजह से होगा, मगर हाँ काफ़ी इम्प्रूवमेंट पहले से है इसमें। इसमें क्या मतलब TVS में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। तो दोस्तों आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ही ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके साथ लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय।